तकरीबन एक साल पहले तक जिस मालदीव में चीन की तूती बोलती थी, अब वहां से चीनी साम्राज्य का सूर्यास्त पूरी तरह हो चुका है। इसे मोदी कूटनीति की जबरदस्त सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहां एक लंबे अंतराल तक चीन का ऐसा प्रभुत्व रहा कि भारत सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी यहां अपने पांव नहीं जमा पाई। जबकि जिनपिंग ने अपनी विस्तारवादी और कर्जे देकर वश में करने की नीति के चलते यहां आओ माओ पाओ माओ का झंडा बुलंद कर दिया। चीन की इस नीति के अगवा भी खुद यहां के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन थे, जो पूरी तरह चीन की चाल में फंसकर उसके बड़े समर्थक बन बैठे थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने चीन की उस नीति को परवान चढ़ाया जो एशिया के इस हिस्से में भारत को पड़ोसियों से दूर करने का एक कुचक्र तैयार करती है। मगर मोदी सरकार की आक्रामक और चाणक्य वाली सशक्त कूटनीति के चलते कल वही अब्दुल्ला यामीन 5 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन्होंने भारत का गिफ्ट में दिया हेलीकॉप्टर तक लौटा दिया था। यह सब चीन के इशारे पर ही किया गया था। मजे की बात यह है कि चीन अपने इस प्यादे को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद के सारे हथकंडे आजमा रहा था, किंतु भारत और मालदीव के संयुक्त प्रयासों के कारण मालदीव में उसका कोई दाव नहीं चल पाया। मालदीव की अदालत ने जब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 साल की सख्त सजा और $5 मिलियन का जुर्माना लगाया, तो भारत को इस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा दिए गए में जख्म पूरी तरह भर गए जो अपने कार्यकाल में वक्त वक्त पर इसने दिए थे। गौर तलब है कि यामीन अपने 5 साल के शासन के बाद सितंबर 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोली के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। वे चीन के प्रबल समर्थक थे। इसके साथ ही उनका बुरा दौर भी शुरू हो गया। यामीन पर राजकोष से धन चुराने का आरोप था। फरवरी माह में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके जिस खाते को सील किया गया था उसमें $65 लाख यानी लगभग 46 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मौजूद थी। अब्दुल्ला यामीन चीन का वही प्यादा था जो राजनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए मालदीव को एक तरह से चीन के हाथों में गिरवी रख चुका था। कभी चीन के इसी चमचे के साथी रहे पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने भी अगस्त माह में भारत में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसे भी बैरंग भेज दिया था। खास बात यह है कि अब्दुल्ला यामीन ने भी इमरान खान की तरह ही विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया था। देश चीनी कर्ज के दलदल में डूब चुका था और महंगाई से जनता त्राहिमाम करने लगी थी, जिसका असर यह हुआ कि अब्दुल्ला यामीन को मालदीव में आपातकाल तक लगाना पड़ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस छोटे से देश में भी जमूरों का एक गुट यामीन के कार्यकाल में ही बना था, जिसके तार पाकिस्तान के एलईटी से जुड़े हुए थे। यामीन ने यहां भारत विरोध को खूब हवा दी, जिसका श्रेय चीन को ही जाता है। मगर अपने राजनीतिक कार्यकाल में मुसीबत में फंसे यामीन को चीन बचाने में नाकामयाब रहा, यानी चतुर चीन इस पूर्व राष्ट्रपति को आखिरी पलों में गच्चा दे गया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वक्त में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन कभी भारत के कट्टर समर्थक माने जाते थे। वे सबसे पहले भारत की नीति का जोर शोर से दावा भी करते थे, लेकिन उनके निरंकुश शासन को जब लोकतांत्रिक देश भारत का समर्थन नहीं मिला तो वे चीन और पाकिस्तान के करीब चले गए, जिसके बाद यामीन ने भारतीय कामगारों तक को वीजा देने से इंकार कर दिया था। भारत की मालदीव में चल रही ज्यादातर परियोजनाएं या तो रोक दी गई थी या उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया। चीन ने यामीन की मजबूरी का फायदा उठाकर यहां जमकर भारत के खिलाफ भावनाएं पैदा की, मगर अब चीन का वर्चस्व यहां से खत्म हो चुका है। मोदी सरकार द्वारा मालदीव को दिए गए $40 करोड़ ने उसे काफी हद तक चीन के चंगुल से निकाल दिया है। चीनी चेला जेल में जाकर अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर चुका है और चीनी कंपनियां या तो मालदीव की शर्तों पर टिकी हुई है या फिर यहां से बोरिया बिस्तर समेट रही है। मालदीव अब भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ रहा है। चीन के साम्यवाद, नास्तिकवाद और स्वार्थवाद का यहां कोई नाम लेवा भी नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।